उत्तरी भारत के प्रसिद्ध सिद्धपीठ जोर सिद्ध बाबा मंदिर के कपाट करीब 70 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर खुलने पर स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने खुशी जाहिर की है। बाबा बालकनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए उचित सामाजिक दूरी के अलावा बीमारी से बचाव के लिए थर्मल स्क्रीनिंग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही मंदिर में श्रद्धालुओं को 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दिया जा रहा है। मंदिर में रोट इत्यादि प्रसाद ले जाने के लिए भी पूर्णतः अभी तक मनाही है। पुरुष भी चबूतरे से ही बाबा जी की पिंडी के दर्शन कर रहे हैं। वहीं मंदिर प्रशासन के द्वारा मंदिर के अंदर करीब 10 से 15 मिनट के भीतर श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर भेजा जा रहा है ताकि मंदिर के अंदर भीड़ जमा न हो सके। वहीं मंदिर में लंगर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंदिर परिसर में माथा टेकने के लिए पहले दिन पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि काफी समय से बाबा बालकनाथ मंदिर में आने का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही आज पता लगा कि मंदिर खुल गए हैं तो माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने प्रशासन के द्वारा मंदिर में की गई सारी व्यवस्थाओं को भी जमकर सराहा है। स्थानीय श्रद्धालुओं ने बताया कि मंदिर के खुल जाने से फसल के चढ़ावे को भी अब वह बाबा के दरबार में चढ़ा सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए पूरी तरह से एहतियात बरता जा रहा है, जो कि एक बढ़िया कदम है। बहुत खुशी है क्योंकि लोगों की बड़ी अरदास है। लोगों ने कई दिन से इंतजार कर रहे थे कि आज खुलेगा कल खुलेगा। लोगों ने जो फसल काटते हैं उसके बाद सबसे पहले बाबा जी के जो वहाँ से निश्रामा चढ़ाते हैं उसके लिए सबकी इच्छा थी। आज खुला, हमें बड़ी खुशी है और मंदिर ने इतना प्रबंध किया है प्रशासन ने। आप देख लें, आप जगह जगह जाएं देखें, स्प्रे हो रही है, पूरी सफाई का ध्यान रखा है और कई लोगों की जैसे श्रद्धालुओं की कई दिन से इच्छा थी वो आ रहे हैं। आप पंजाब से भी आज आए सुबह और बड़ी खुशी है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है, हर जगह बिल्कुल चबूतरे से दर्शन किया हमने, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, लोग भी आए, अच्छी बात है, पर थोड़ा प्रसाद का भी थोड़ा हो जाए लोगों को, क्योंकि जो मत्था टेकने के लिए आएगा तो उसको कुछ ना कुछ नहीं देना चाहिए। तो ये हम चाहते हैं कि ये चीज़ सरकार करे जल्दी से जल्दी। सर बताएंगे कि मंदिर में जो कोरोना बीमारी से बचाव के लिए पूरी तरह से यहाँ से तैयारी की हुई है? नहीं, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया सिस्टम है इनका, ठीक लगा। डिस्टेंस पूरा है, एंट्री हो रही, चेक हो रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही, हर चीज़ ठीक है। सैनिटाइज की व्यवस्था है, साबुन रखे हुए हैं हाथ धोने के लिए है, बिल्कुल ठीक है, हर जगह प्रॉपर तरीके से हो रहा है। पुलिस अपनी ड्यूटी बिल्कुल ठीक ढंग से कर रही है, ठीक है। वहीं पंजाब के मलेरकोटला से आए हुए दो श्रद्धालुओं ने बताया कि पिछले 6 महीने से वह बाबा के दरबार में माथा टेकने के लिए आना चाहते थे लेकिन कोविड की वजह से नहीं आ पा रहे थे। उन्होंने अरदास करते हुए कहा कि बाबा बालकनाथ कोरोना महामारी से विश्व को जल्द छुटकारा दिलाएंगे। मैं बस बाबा जी से ये अरदास करता हूँ कि बाबा जो गौर संकट संसार पर चला हुआ है, कृपा से जल्दी संकट को दूर करो, अपने पावन दर्शन सबको देते रहें, सबके ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। जय कारा पौना हर बोल साचे दरबार की जय। नहीं ठीक है, जो सरकार कर रही है हम उसके साथ हैं, उनसे उनके कार्य से हम खुश हैं और सरकार का प्रयास वो करेंगे। सरकार जल्दी से जल्दी इस संकट से उभारने के लिए सबको साथ दी। कुछ नहीं, पहले तो कोरोना करके जी महामारी से सब कुछ बंद सेगा, तो ऐसे पंजाब तो आए हैं जी, दर्शन करने जा रहे हैं हम। बाकी बाबा जी मेहर करन, जो भी चल रहा है जल्द तो जल्द ठीक होवे ते लोग अपने अपने कामों कार लग सकन। हाँ जी, बहुत वधिया तैयारियां की गई, एक तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हुआ, सैनिटाइज प्रॉपर आ, ठीक है, टैंपरेचर चैक कर रहे हैं। बाकी पुलिस प्रशासन भी बहुत वधिया काम कर रहा है, बहुत वधिया काम है सब कुछ। वहीं बाबा बालकनाथ मंदिर न्यास की चेयरमैन और DC हमीरपुर देशवता बनिक ने बताया कि मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कोविड-19 के नियमों के तहत श्रद्धालुओं को मंदिर में दर्शन करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में लंगर पर अभी भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा रहेगा कि तो कोविड का समय फिर भी चल रहा है और इसमें काफी सारे जो SOPs हैं वो जारी कर दिए गए हैं और हमारे हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर है उसमें श्रद्धालु भारी मात्रा में आते हैं और स्पेशली रविवार के दिन जो है बाबा का दिन माना जाता है, इसलिए काफी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं और उनके लिए और मंदिर के सुरक्षा कर्मी और स्टाफ के लिए जो है स्ट्रिक्ट SOPs जारी किए गए हैं। काफी चीजें आपको पहले से पता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ हैंड सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा, वो तो है ही। साथ में दोनों जो नीचे वाला गेट है मंदिर के मार्केट की तरफ और ऊपर जो जहाँ से गाड़ी से आते हैं, दोनों तरफ के गेटों में जो है ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि रजिस्ट्रेशन और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही श्रद्धालुओं को एंटर करने दिया जाएगा और कोई भी सिम्टोमेटिक या जिसको खांसी जुकाम बुखार ऐसा कोई भी श्रद्धालु जो है उसको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही सबके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि लंगर अभी भी बंद रहेंगे आगामी आदेशों तक
और मेनली जो बाबा के दर्शन होंगे वो बाहर से, जहाँ पे महिलाएं दर्शन करती हैं उस प्लेटफॉर्म से ही अभी फिलहाल दर्शन अलाउड है, और अंदर बाबा के गुफा में या दूसरी जो पूजा होती है वो अलाउड नहीं होगी। और इसी के साथ साथ मंदिर के जो सराये हैं वो भी अभी नहीं खुलेंगे, हालांकि पास के जो प्राइवेट सराय वगैरह या कोई होटल्स हैं उनमें गवर्नमेंट की जो दूसरी गाइडलाइंस हैं होटल टूरिज्म वाली वो ही लागू होंगी, उनके लिए अलग से कोई और आदेश नहीं है। बट अभी फिलहाल थोड़े दिनों के लिए और हमने टेम्पल की सरायों को भी ना खोलने का फैसला लिया, और प्रसाद जो है चढ़ाना या इस तरह का कोई भी जो हम यूजली करते हैं वो अलाउड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ दर्शन के लिए ही मंदिरों को खोला जाए। और जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनसे खासकर हमारी गुजारिश है कि कृपया जो है वहां के सुरक्षा कर्मी और मंदिर के कर्मचारियों के साथ सहयोग करें, जहां पे वो आपको मास्क पहनने को कहें, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने के लिए कहें, काइंडली उस चीज को सुनिश्चित करें, क्योंकि कोविड के केसेस कम रहेंगे तो ही हम मंदिर की बाकी चीजों को और खोल पाएंगे और सुचारू ढंग से चला पाएंगे।